मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी थी कि नो आर्ट कैन स्टैंड अलोन, नो आर्ट कैन सर्वाइव अलोन। देर आर मैनी मैनी इनपुट्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। कई बार हमारी तालीम सिर्फ मिर्ज़ा गालिब के शेरों पे हुई है, कभी कभी सिर्फ T.S. एलियट, कभी कभी K.L. सहगल साहब की गायकी, इस तरीके से भी हमारी तालीम हुई है। और एक विजन हमारे गुरुओं ने हमें ज़रूर उसमें दिया। Hi, this is Shruti Porwal and you're watching Dua Creates. Please do like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. कल बातों बातों में शिष्यों के लिए कुछ चीज़ें बताना मैंने उचित समझा, इसलिए ये ज़रूर बताऊंगा कि संगीत कैसे सुने, क्या सुने, किसका सुने। इस बात पे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं, तो मेरी बाकी अप्रिय बातों की तरह मैं एक और अप्रिय बात से ही शुरुआत करूंगा कि सबसे पहले तो अगर आप हिंदुस्तानी संगीत के शिष्य हैं तो आपने, जिसे हम कहते हैं पैसिव लिसनिंग, इससे बचना है, इससे दूर रहना है। कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ हम अपना काम करते करते पीछे हमेशा शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, हम गाड़ी चलाते चलाते हमेशा शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, और बाकी भी, यानी जिसे हम कहें कि सुनने के लिए नहीं सुनते, अपने कोई काम के साथ इसको पीछे चलाते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत जब आप उसकी विद्या हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तब आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसे हम सुनना नहीं समझते। अगर आपको सुनना है तो आप एक विशिष्ट वक्त उसके लिए निकालिए, समय निकालिए, भले ही आप 15 मिनट सुने, आधा घंटा सुने, लेकिन उसको ध्यान से सुनिए, उसका अध्ययन कीजिए, उसको अध्ययन स्वरूप सुनना ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि आजकल के दौर में आप खुद अपना रियाज भी करते होंगे और आपको बाकी सारे काम भी होंगे, इतने सारे चीज़ों में आप पहले भी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस काम को आप आपकी शिक्षा ग्रहण करने का एक हिस्सा मानकर चलिए। सभी ने, चाहे वो वादक हो, चाहे गायक हो, चाहे नर्तक हो, लेकिन कंठ संगीत, जिसे हम वोकल म्यूज़िक कहते हैं, इसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंठ संगीत ये सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ माना इसीलिए गया है क्योंकि कंठ संगीत में जो राग की प्रस्तुति, राग के भावना की जो प्रस्तुति होती है, वो सबसे ज़्यादा देर तक कायम रखी जाती है। तो इसी को लेके एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, तो हम क्या सुने? तो समझ, जब तक आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या राग बज रहा है और क्या उसमें सुर बज रहे हैं, तब तक आप, और उसके बाद भी मैं कहूँगा कि भाव और भावना को समझिए, समझिए यानी उसे महसूस कीजिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जब आप खुद बाद में वो राग गाएंगे बजाएंगे, तब आपने सुनी हुई चीज़ों से प्राप्त की हुई भावना, उसका जो एक हम कहेंगे कि ध्रुव तारे की तरह, वो भावना आपको आगे लेके जाएगी। आप समझ जाएंगे एक फ्रेज़ ये राग में होती है या नहीं होती है, आप बजा के जब अगर उसका भाव हिल जाए तो आपको पता चलेगा कि इसका भाव हिल गया है। तो ये भाव अंदर होना हर एक राग का, जैसे भीमपलास का एक भाव है, भैरव का एक भाव है, दरबारी का एक भाव है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इसलिए सुनिए, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, उस भावना को अंदर आने दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि गायक या वादक ने बजाया गाया हुआ हर एक सुर आप समझ पाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात तो मैं ये कहूँगा कि जब आप सुन रहे हैं तब ज़रूर ध्यान दीजिए कि बंदिश क्या है। अगर बड़ा ख्याल थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा ख्याल ज़रूर उसके बाद आने वाला तराना
ये सारी चीज़ें ज़रूर आप सुनिए, उसको गाने की कोशिश कीजिए, उसको गुनगुनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद विलंबित में अगर आपको एक ताल समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप जयपुर घराना सुनिए, उसमें 3 ताल में काफ़ी काम हुआ है। आप रखिए थोड़ा सा ताल हाथ में रखने की कोशिश कीजिए, इतनी तो कम से कम कोशिश कीजिए कि जब गायक बंदिश पे आ रहे हैं आखिरी मात्राओं में, तो उस बंदिश को आप भी उनके साथ उठा सके। तो वो तो 2-3 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होते, उसके सुर भी हमेशा सरल होते हैं क्योंकि वो बंदिश है। सरल राग सुनिए, उसमें बंदिश में आप भी शामिल होने का प्रयास कीजिए। अगर आप सुनने में उस कदर शामिल नहीं हैं तो आप सुन नहीं रहे। आप बहुत लोग कहते हैं कि लेकिन हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसे पैसिवली सुनते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर पूछूंगा कि आपको जैज़, रॉक, सॉफ्ट रॉक, पॉप, जंगल बीट म्यूज़िक कितना समझ में आता है? अगर आपको सच में वो समझ में आता है इसीलिए आप उसे सुनते हैं, तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि आप उसमें क्या क्या समझे हैं, ज़रूर सीखूँगा। तो इसके लिए हम नहीं सुनते गाना या म्यूज़िक कि वो हमें समझ में आए। हम मानते हैं कि आप सीखना चाह रहे हैं, लेकिन समझने से पहले उसको अपने अंदर तो लाइए, उसे महसूस कीजिए, उसका आनंद लीजिए। ये एक बात। दूसरी बात कि शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों ने सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनना है हिंदुस्तान का, ये बात भी लाजमी नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप हर एक जॉनरा का म्यूज़िक ज़रूर सुनिए, कवाली सुनिए, गज़ल सुनिए, उसके बाद मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग में सुनिए। अगर आप खरज का रियाज़ कर रहे हैं तो आप देखिए उन्होंने खरज में कितना काम किया है। उसके बाद आप जैज़ सुनिए, ब्लूज़ सुनिए, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, उसमें पियानो या फिर जो फ्लूट या बाकी सारे साज जो है उनका असर किस तरीके से उन्होंने पैदा किया है, इस बात का भी आप अभ्यास करें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। दूसरी बात कि आप आर्ट को सिर्फ म्यूज़िक तक सीमित ना रखें, आप पेंटिंग्स के बारे में ज़रूर देखें, आप बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स जो है, पोएट्री अगर है या जो भी, जितने भी आर्ट फॉर्म्स, चाहे वो परफॉर्मिंग हो या ना हो, लेकिन उसमें ज़रूर रुचि ले, उसको समझने की कोशिश करें। मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दी थी कि नो आर्ट कैन स्टैंड अलोन, नो आर्ट कैन सर्वाइव अलोन। देर आर मैनी मैनी इनपुट्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। कई बार हमारी तालीम सिर्फ मिर्ज़ा गालिब के शेरों पे हुई है, कभी कभी सिर्फ T.S. Eliot, कभी कभी K.L. सहगल साहब की गायकी, इस तरीके से भी हमारी तालीम हुई है, और एक विजन हमारे गुरुओं ने हमें ज़रूर उसमें दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जब तक, कल भी मैंने बात की थी कि जब तक आप तंत्र से कला की ओर, आपकी खुद की कला में नहीं बढ़ रहे, तब तक आपको सारी चीज़ों को समेटना है अपने अंदर, और वो समेटते हुए चलना है। उसको आप अच्छे से रिस्पेक्टफुली सुनिए। ये बात और है कि हर एक को हर एक टाइप का म्यूज़िक शायद पसंद ना आए, तो ऐसी कोई ज़िद नहीं है कि आपको पसंद ना आए तो भी आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन जितना जितना आप सुनेंगे उतना आप में काफ़ी चीज़ों का इजाफा आपकी खुद की गायकी में, आपके खुद के बजाने में, आपके खुद के नृत्य में आपको ज़रूर होगा।